मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार हमें एक चीज में बहुत प्रॉब्लम जाती है, 11th फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और 11th फिजिक्स में यार हमसे मात्रक नहीं बनता, हमसे विमीय सूत्र नहीं बनता। बस मात्रक और विमीय सूत्र ही हमसे ना पूछिए सर, हमसे यही नहीं बनते। तो यार टेंशन नहीं लेना है, आज की वीडियो के बाद आपसे मात्रक भी बनने वाले हैं और विमीय सूत्र भी बनने वाले हैं। बस मैं जो चीजों को आपसे कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा बस फॉलो कर लीजिए। 2 मिनट बस यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए और इसके बाद मात्रक भी बनेगा, विमीय सूत्र भी बनेगा। आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, मैंने कुछ 4 राशियों को यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला लिखा है लंबाई, दूसरा लिखा है द्रव्यमान, तीसरा लिखा है समय और चौथा लिखा है धारा। मैंने यहाँ 4 राशियों को लिखा है। अब लंबाई तो आप जानते ही हो, है ना, जैसे मैं आपसे पूछूं ये कितना लंबा है, या फिर लंबाई तो आप जानते ही हो। अब लंबाई जो है, इस लंबाई का मात्रक मेरे प्रिय साथियों क्या होता है ये बता दो। तो लंबाई का मात्रक आप सब जानते हो कि लंबाई को मीटर में नापते हैं। तो भाई ऐसा तो होता नहीं है कि कभी यार हम कपड़ा लेने गए और वहां बोल दिया कि 2 किलो कपड़े दे दो, या फिर हम शक्कर लेने गए तो वहां तो आप ये तो बोलोगे कि भाई हमें 1 मीटर शक्कर दे दो या फिर 1 फिट शक्कर दे दो, ऐसा नहीं बोलती है ना। तो सबका एक अलग अलग इकाई होती है, सबका एक अलग अलग मात्रक होता है जिससे उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। बट द्रव्यमान सर होता क्या है? तो भाई जो ठोस वस्तुएं होती हैं इनका द्रव्यमान होता है, ध्यान रखना, ठोस वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटा हमेशा किलोग्राम। द्रव्यमान को हमेशा किलो में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलो में मापते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो ध्यान से। समय जो है, समय का मात्रक बेटा सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। समय को हम सेकंड में मापते हैं। और ये जो मात्रक बता रहा हूं बेटा, देखो फिजिक्स में आप पढ़ रहे होगे मात्रक यार 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो आपका CGS मात्रक भी होता है, एक आपका MKS मात्रक होता है, एक आपका SI मात्रक होता है और एक होता है FPS मात्रक। तो आपको इन मात्रकों को ज्यादा नहीं ध्यान से सुनना, आपको तो केवल SI या MKS मात्रक को ध्यान रखना है। SI या MKS मात्रक क्या है? तो ये SI या MKS मात्रक ही है। लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और धारा का क्या होता है प्यारे साथियों? एम्पियर होता है। तो इतना तो आप याद रख ही सकते हो। अब आगे ध्यान से सुनो बेटा, विमीय सूत्र। अब लंबाई का विमीय सूत्र L होता है। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? L होता है। क्यों होता है सर L? क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ, और लेंथ L से स्टार्ट होता है, इसलिए मात्रक L, ठीक है। द्रव्यमान का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो M होता है। समय को सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड, लेकिन विमीय सूत्र समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। तो इसका टी होगा। धारा एम्पियर, एम्पियर ए, ठीक है। आपको इतना याद रखना, बस इन 4 राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र याद रखना है और कुछ भी नहीं रखना। फिर किसी भी राशि का आप मात्रक निकाल के उसको बता देना, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आप याद कर ही सकते हो। तो हम क्या सीख रहे हैं बेटा? विमीय सूत्र और मात्रक, ठीक है। तो विमीय सूत्र का थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लीजिए। विमीय सूत्र को ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ये जो वर्गाकार ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट में रखकर प्रदर्शित किया जाता है। जो विमीय सूत्र है, कोई सा भी विमीय सूत्र हो, इस वर्गाकार ब्रैकेट में रखकर उसको प्रदर्शित किया जाता है हमेशा, ठीक है। अब इस वर्गाकार ब्रैकेट में कौन कौन लिखा जाता है? तो भाई इस वर्गाकार ब्रैकेट में मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले लिखा जाता है एम। एम किसका विमीय सूत्र है? द्रव्यमान का। फिर लिखा जाता है L, मतलब फिर किसका विमीय सूत्र लिखा जाता है? लंबाई का। फिर क्या लिखा जाता है? T। फिर किसका विमीय सूत्र लिखा जाता है? समय का, ठीक है। फिर किसका? तो फिर लिखा जाता है धारा का। ये ध्यान रखना, सबसे पहले किसका लिखा जाता है? द्रव्यमान का, फिर लंबाई का, फिर समय का, फिर धारा का। ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी ऐसे ही लिखना, कभी भी ऐसे नहीं लिख देना कि L को पहले लिख दिया, M को बाद में, T को पहले, ऐसा कुछ नहीं लिखना। ये जो क्रम है वो याद रखना, पहले M लिखना, फिर L लिखना, फिर T लिखना और फिर A लिखना। क्लियर है? अब
अब आगे मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है इनकी कुछ घातों में लिखा जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि M पर 0 की घात चढ़ी होती है, कभी कभी हम देखते हैं L पर 2 की घात चढ़ी होती है, T पर आपकी 3 की घात चढ़ी होती है, A पर 1 की घात। तो ऐसा कभी कभी हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये सर क्या होता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों इनकी संख्या होती है। जैसे एम जीरो लिखा है मतलब M इसमें है ही नहीं, M जीरो लिखा है मतलब M इसमें है ही नहीं। तो कोई अगर व्यक्ति नहीं होता तो उसकी घात हम जीरो करके लिख देते हैं। अब L दो क्यों लिखा है सर? क्योंकि L दो बार आया है। T क्यों लिखा है? तीन, तो T तीन बार आया है। तो जितनी बार जो आता है उसको हम लिखते हैं। आओ जरा अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले बेटा हम क्षेत्रफल का मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे। तो पहली बात आप कान खोल कर सुन लो, किसी का भी मात्रक निकालना हो आपको, किसी का भी विमीय सूत्र निकालना हो, आपको सूत्र की आवश्यकता होगी। बिना सूत्र के ना तो मात्रक निकाल पाओगे और ना ही विमीय सूत्र, और निकालोगे तो फिर आपको निकालना नहीं फिर रटना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सूत्र पता होना चाहिए जिसका मात्रक और विमीय सूत्र निकाल रहा है। क्लियर है कहानी? ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का सर मात्रक क्या होता है, टेंशन मत लो। क्षेत्रफल का भाई सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहां देखना मात्रक निकाल रहा है, तो ये जो लंबाई है बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक निकाल रहा है ना, तो बेटा जो लंबाई है इस लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक है सर मीटर। तो ये लिख दिया हमने मीटर, मीटर मतलब एम। ओके सर, ये चौड़ाई है, इस चौड़ाई का मात्रक क्या है? भाई चाहे चौड़ाई हो, चाहे लंबाई हो या ऊंचाई हो, आपस में लंबाई तो ही होती है, चौड़ाई भी लंबाई होती है, ऊंचाई भी लंबाई होती है, और लंबाई लंबाई तो है ही, ये ध्यान रखना। लंबाई भी लंबाई, चौड़ाई भी लंबाई, और ऊंचाई भी क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर, और यहाँ चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है, लंबाई, और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका मीटर और इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मात्रक। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, आओ विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो भाई अब देखो लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, L, बस तीन ही तो याद रखना है आपको, और तो याद रखने ही नहीं है ना। लंबाई का मात्रक, अब इसका विमीय सूत्र निकाल रहा है, तो विमीय सूत्र के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सूत्र की। तो सूत्र तो ये है, तो अब जैसे हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, L होगा, क्या होगा, L होगा, ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। इस चौड़ाई का विमीय सूत्र होगा, चौड़ाई भी लंबाई है ना, तो इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, L ही होगा। तो L, L, अब L कितनी बार आया है, दो बार आया है, L कितनी बार आया है, दो। क्या M आया है, क्या M आया है, नहीं। L आया है, हाँ। क्या T आया है, नहीं। क्या A आया है, नहीं, नहीं आया ना, बिल्कुल। तो टेंशन मत लो, देखो M नहीं आया ना, तो M नहीं आया तो M कर दो आप जीरो, जो नहीं आया होता उसको आप क्या कर देते हो, जीरो कर देते हो। तो M नहीं आया तो M को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्या L आया है, M के बाद कौन लिखा था, L, L कितनी बार है, दो बार, दो है ना, तो L स्क्वायर। क्या T आया है, नहीं, तो आप T क्या कर दो, जीरो कर दो, और इसको आप एक वर्गाकार ब्रैकेट में रख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्या बात समझ में आई मेरी आपको, क्या बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल यार प्यारे साथियों आ ही गई होगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। जो था उसको ले दिया, जो नहीं था उसको जीरो कर दिया। तो सर ए क्यों नहीं लिखा, भाई ए भी लिख सकते हो, लेकिन ए का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, एम एल टी का ज्यादा होता है, इसलिए लिख दिया। आप ए भी लिख सकते हो, ए नहीं है तो ए भी जीरो कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ आयतन पे। आयतन का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, रखा मीटर। चौड़ाई भी लंबाई है मीटर, ऊंचाई भी लंबाई है मीटर, तो मीटर 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 कितने एम हो गए, तीन, तो ये मीटर क्यूब हो गया। क्या हो गया मेरे पैसा, तो मीटर क्यूब हो गया। अब विमीय सूत्र, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या है सर, एल है, ये लिख दिया। चौड़ाई का L है, ये लिख दिया। ऊंचाई का L है, ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब लंबाई है, तो भाई लंबाई के मात्रक रखेंगे। तो L कितनी बार आया, तीन बार आया। L कितनी बार आया, तीन बार आया। क्या M आया, नहीं, तो जीरो कर दो। L कितनी बार है, तीन बार, M के बाद L लिखेंगे। क्या T है इसमें, नहीं, T आप जीरो कर दो। ये आपका इसका विमीय सूत्र बन गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। घनत्व, अब घनत्व का है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, तो ये मैंने लिख दिया किलो मतलब केजी,
किलो मतलब केजी, केजी में बता देना, और आयतन, अब आयतन का मात्रक आप निकाल चुकी हो, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है आयतन, अब मात्रक निकाला है तो मात्रक रखोगे, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या रख दिया केजी, अब आपको किसका लिखना है आयतन का, तो आयतन का मात्रक आप निकाल चुकी हो, क्या है मीटर क्यूब, तो ये लिख दिया मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक क्या हो गया केजी मीटर क्यूब, केजी पर या फिर केजी बटे मीटर क्यूब, क्लियर है। अब विनिश्चयूत्र निकालेंगे, तो भाई द्रव्यमान का भी सूत्र क्या होता है, तो भाई द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है m, तो ये लिख दिया हमने m, क्या लिख दिया m, ठीक है। अब आयतन का क्या होता है, तो आयतन का तो सर हम निकाल चुके, क्या आया था l3, अब जो जीरो है उसको मत लिखना, ये इसका तो कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका है मतलब, तो l कितनी बार है तीन बार, तो ये हमने लिख दिया l3, क्या यही भी सूत्र होगा, ना ये नहीं होगा, इसको हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा, तो m ऊपर ही है, m ऊपर ही है, तो m है ना, तो अब जीरो नहीं करना, क्योंकि m एक ही है, तो एक घात चढ़ा सकते हो। अब l कितना है, तो सर l तो है तीन, बट वो नीचे है, तो भाई जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात बदल जाती है, जैसे घात यहाँ तीन है, जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस तीन हो जाएगी, तो ये l माइनस तीन हो जाएगी। क्या इसमें t है, नहीं t नहीं है, तो आप t क्या कर दो जीरो कर दो। बोलो बात समझ में आई, आई ना बात समझ में, बिल्कुल आ ही गई होगी। नेक्स्ट वेग, वेग का क्या है सर, दूरी बटे समय, दूरी क्या है सर, दूरी तो लंबाई है, दूरी तो क्या है लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, तो ये लिख दिया मैंने मीटर, और समय का क्या है, तो समय का सेकंड है, ये लिख दिया मैंने सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर बटे सेकंड किसका मात्रक है वेग का। अब विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, वेग, अब दूरी बटे समय, सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, दूरी मतलब लंबाई, मतलब ये ही होगा सर। समय का क्या होता है, तो समय का, समय का, समय का विमीय सूत्र टी होता है, ये लिख दिया मैंने टी लिख दिया। क्या इसमें अब इसका टोटल विमीय सूत्र लिखेंगे, अब m है क्या इसमें, नहीं है, तो m जीरो कर दो, m क्या कर दो जीरो, m के बाद कौन लिखोगे l, m नहीं है ना, जीरो कर दिया, m के बाद कौन लिखोगे l, तो l है ये लिख दिया। फिर t लिखना है सर, तो t नीचे है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, देखो इसकी घात कुछ नहीं है, तो एक, जब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस एक हो जाएगी, तो टी माइनस एक, कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट में लिख दो, परेशानी नो नहीं होनी चाहिए। त्वरण, त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है सर वेग बटे समय, मात्रक निकालो सर पहले, बिल्कुल निकालेंगे, तो वेग का मात्रक क्या आया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड सर, समय का मात्रक फिर से सेकंड, तो ये जो है, ये जो मात्रक लिखा है मीटर पर सेकंड, ये इसका लिखा है, देखो इसका निकाल चुकी ना, ये इसका लिखा है। अब समय का क्या है, तो समय का सेकंड, अब आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ऊपर बटे में होता है तो वो बटे नीचे आ जाता है, तो ऊपर कौन बचा केवल मीटर, और ये सेकंड नीचे गया, तो एक सेकंड पहले से था, एक और आ गया, तो दो सेकंड हो गए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट वेग, अब इसका विमीय सूत्र, तो भाई वेग का विमीय सूत्र क्या है, तो वेग का विमीय सूत्र बेटा क्या है, वेग, 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 वेग का क्या होता है विमीय सूत्र, ये निकाला, तो आपको जीरो वाला नहीं देखना, केवल ये देखना है lt माइनस वन, तो ये lt माइनस वन, ठीक है। समय का क्या है सर, तो समय का फिर से t हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा t, तो ये हो गया, तो क्या ये ही लिख दें, नहीं ये नहीं लिखना, इसको ऊपर ले जाके लिखो। अब m है इसमें, नहीं, तो m आप क्या कर दो जीरो कर दो। l है, हाँ एक है सर, t कितने हैं सर, t पता नहीं चल रहा कितने हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस वन है, क्या है माइनस वन है, और ये वाला जो t है ये भी ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा t माइनस वन, t माइनस वन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार देख लूँ मैं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड कैमरा एडजस्ट थोड़ा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो ये t, ये तो ज्यों का त्यों m था जीरो, l था ये t माइनस वन, ये अब ये t ऊपर गया तो t माइनस वन ये बन गया। अब यहाँ देखो, अभी ये पूरा नहीं आया, चाहे तो आप एक ही स्टेप में कर सकते थे इसको, m जीरो है, अब l और t माइनस वन इधर है, माइनस वन इधर है, तो माइनस माइनस में घातें जुड़ जाती हैं, तो t माइनस टू हो गया, ये आपका फाइनल इसका विमीय सूत्र हो गया। बात समझ में आए, ठीक है। अब बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का मात्रा क्या है किलोग्राम, तो ये मैंने लिख दिया किलोग्राम। अब त्वरण का क्या है, तो त्वरण का है सर मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम
इनटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। मतलब जो इतना दिख रहा है ना, ये न्यूटन के बराबर होता है। ये बेटा किसके बराबर होता है? न्यूटन के। तो आप किलोग्राम इनटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक बोलो या फिर डायरेक्ट इसको न्यूटन के बराबर कर दो, तो एन बोल सकते हो। न्यूटन को एन से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब सर इसका विमीय सूत्र कैसे निकाले? बहुत ईजी है यार भाई, आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना। तो द्रव्यमान का क्या है? एम है। द्रव्यमान का क्या है? एम है। लिख दिया सर। आगे किसका लिखे सर? इनटू त्वरण। त्वरण का लिखो, तो त्वरण का क्या है सर? एल टी माइनस टू। तो ये एल टी माइनस टू, जो जीरो वाला होता है उसको नहीं लिखते, जीरो वाला है उसको नहीं लिखते। अब फाइनल सूत्र निकालो, तो फाइनल में एम भी लिखते हैं, एल भी लिखते हैं, टी भी लिखते हैं, तो एम है ना इसमें, तो एम की घात एक, कैपिटल एम ही लिखना है बेटा, और ध्यान रखना एम की घात एक। एल है, एल की घात एक कुछ नहीं है, तो एक मान सकते हो, और टी की घात माइनस दो। तो ये इसका फाइनल विमीय सूत्र हो गया। तो भाई कोई भी मात्रक हो या कोई भी विमीय सूत्र हो, बस निकालना आपको ऐसे ही है, तरीका आपका यही है, केवल आपको सूत्र की जरूरत होगी। तो आज आपके माइंड में ये चीज बिठा लो कि भाई मात्रक आपको पता करना है या विमीय सूत्र पता करना है, तो आपको सूत्र की आवश्यकता होगी। तो सूत्र याद नहीं होगा तो नहीं पता होंगे। तो यही फॉर्मेट है, बस इन चार राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र आपको पता है, आप किसी भी राशि का मात्रक और विमीय सूत्र निकाल सकते हो वन बाय वन। ठीक है, बस आपको सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कुछ चीज, और विमीय सूत्र इस फॉर्मेट में हमेशा लिखा जाता है। तो एक बार जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके यार बताया करो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।